तो भाई लोग कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अनदर काइन मास्टर ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ बनाने वाले हैं इस तरह का इफेक्ट। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस तरह का इफेक्ट बनाने के लिए किस तरह की हमको शूटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से मैंने जो है अपना वीडियो शूट किया है। अब दोस्तों यहां से आ जाते हैं हम अपनी काइन मास्टर में। यहां से हम एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके रेशियो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों हमको जो है मीडिया में जाना है और यहां से हमारा जो वीडियो है जो हमने कैमरा से शूट किया है उसको हमको इंपोर्ट कर लेना है। तो भाई लोग जैसे कि देख सकते हैं कि ये मेरा वीडियो फुटेज आ चुका है। अब यहाँ से जो है हम अपना जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करेंगे। तो चलिए मैं अपना कुछ जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से जो मैं है आगे का हिस्सा जो है उसको मैं ट्रिम कर दूंगा। तो यहाँ से हमारा क्लिप चालू है। अब यहाँ मैं कुछ इस तरह से जंप कर रहा हूँ और इस वाले कट को सीन को जो है हमको तो इस तरह से जो है मैं जंप कर रहा हूँ और जहाँ से मुझको अपना जो है इनविजिबल करना है तो इस पोजिशन में आके हम यहाँ जो है इसको स्प्लिट कर देते हैं। अब दोस्तों हमको यहाँ पर से जो है सबसे पहले में आना है जहाँ हमको एक क्लीन बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जहाँ हमारा बैकग्राउंड है उसको हम कैप्चर एंड सेव में जाके यहाँ से एक इमेज क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने एक कैप्चर फ्रेम कर लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हम लेयर में जाके उस कैप्चर इमेज को इम्पोर्ट कर लेंगे। अब दोस्तों इस इमेज को जो है हमको स्लाइड करके हमारे इस वाले लेयर का जो है थोड़ा सा आगे से हमको इसको सेट करना है और यहाँ से जो है हम इसको फिट स्क्रीन कर देंगे, स्क्रीन में फिट कर देंगे। और यहाँ से जो है हमको एनिमेशन में जाना है और यहाँ पर हमको फेड सिलेक्ट करना है और फेड का स्पीड जो है हम यहाँ 5 सेकंड रख सकते हैं, 5 फ्रेम। सो गाइस कुछ इस तरह से जो है हमारा ये इफेक्ट बन चुका है। अब दोस्तों इसके बाद में हमको जो है आगे का जो लेयर है आगे का नेक्स्ट स्टेप जो है उसको करना है। तो कुछ मैंने इस तरह से ट्राई किया था कि सही वीडियो फुटेज हमको मिल सके। तो यहाँ से जो भी जहाँ से हमको रखना है तो यहाँ से जो ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ से हमको रखना है। अब दोस्तों इसमें का जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो आगे का पार्ट है उसको ट्रिम कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो है हमको डुप्लीकेट लेयर एज लेयर का ऑप्शन है तो इस पे क्लिक कर देना है। तो नीचे हमारा जो है इसका डुप्लीकेट लेयर आ चुका है। अब दोस्तों वीडियो लेयर को हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ से इस वाले ऑप्शन में आएंगे। अब इसके बाद इसको हम इस वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से जो है हमारा जहाँ से हमारा जो ये ना हो तो इस तरह से जो है मैं स्प्लिट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जो है इस तरह से हमारा इफेक्ट आ जाए। ठीक है, अब इसको भी दोस्तों हम सिलेक्ट करेंगे। इन एनिमेशन में जाके फेड सिलेक्ट करेंगे और इसका भी जो टाइमलाइन है 0.5 में रख देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा इफेक्ट नज़र आएगा। अब दोस्तों इस वाले वीडियो लेयर को जो है हमको पकड़ के थोड़ा सा आगे की ओर सेट करना है ताकि हमारा जो क्लथ है वो इसके साथ मैच हो सके। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा एक इफेक्ट जो है यहाँ तक क्रिएट हो गया है। अब हमको जो है नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करना है। अब दोस्तों ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करके हम जो है एक कैप्चर फ्रेम फिर से ले लेंगे। अब दोस्तों इसको जो है फिर से हम लेयर में जाके उसी कैप्चर इमेज को इम्पोर्ट कर लेंगे। अब इसको सिलेक्ट करके हम स्क्रीन पर फिट कर देंगे। अब दोस्तों सारे लेयर को जो है हमको पिन आउट करना है। तो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पिन सिलेक्ट कर देंगे ताकि ये जो है हमारा जो टाइमलाइन पे है उस पर सेट हो जाए। ठीक है, तो सारे
क्लिप को जो है हमने पिन कर दिया है। अब दोस्तों दोनों वीडियो के जो लेयर है, जो दोनों वीडियो है उसके सेंटर में जाने के बाद यहाँ से हम एक ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारा जो सीन है उसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम थोड़ा ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ से मैं सारे लेयर को ट्रिम कर देता हूँ। और इस वाले लेयर को थोड़ा सा आगे तक रखता हूँ, थोड़ा आगे, ठीक है। अब सबसे नीचे वाला जो कैप्चर लेयर है उसको हमको आउट एनिमेशन में फेड रखना है और इसका भी जो है हम टाइम 0.5 सेकंड रख देते हैं, तो कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट हमको नज़र आएगा। एक बार पूरा जो इफ़ेक्ट है देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह सा जो है अभी तक हमने इफ़ेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो इस तरह से आगे का पार्ट, जो आगे का जो क्लिप है उसको हम ट्रिम कर लेते हैं। तो ये भी पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसको हम अपने हिसाब से ट्रिम कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। बाकी लेयर को भी हम इस हिसाब से ट्रिम कर लेंगे। और जो नीचे वाला लेयर है उसको थोड़ा सा आगे में रख के थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है ताकि फेड आउट जो है इसमें नज़र आए। अब दोस्तों यहाँ पर जो है टेलीपोर्ट इफेक्ट के लिए जो है हमको दो वीडियो लेयर लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें मल्टीपल जो है वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता है। तो एक बार इस फाइल को जो है हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो है वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया है, फिर से बैक करते हैं और फिर से एक एम्प्टी लेयर ले लेते हैं, सिलेक्ट करके रेशियो अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से जो है हमने एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक्सपोर्टिंग वीडियो आ गया है। यहाँ पर हमको जो है साउंड इफेक्ट और टेलीपोर्ट इफेक्ट जो है देना है, ठीक है। तो इस जगह में हमको टेलीपोर्ट इफेक्ट देना है। तो यहाँ से हम लेयर में जाएंगे और यहाँ से टेलीपोर्ट इफेक्ट के लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारा वीडियो जो है आ चुका है। इस वीडियो को जो है हमको ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाके इसको स्क्रीन पे सिलेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। अब दोस्तों इस वाले जो लेयर है वीडियो लेयर को, इसको हमको सही तरीके से पोजिशन और स्केल कर लेना है। अब इस वीडियो लेयर सिलेक्ट ही है तो इस वीडियो लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से जो है हम थोड़ा कलर एडजस्टमेंट में जाते हैं। अब यहाँ से ये दो जो है इसको हमको फुल कर देना है और यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है हम थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं। तो पहला इफेक्ट हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। ठीक है, अब सेकेंड इफेक्ट हमको देना है जहाँ से हम फिर वापस आएंगे। तो सेम इसी वीडियो फुटेज को हम डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको जो है हम उस पोजीशन में ले लेते हैं जहाँ से हमारा इफ़ेक्ट फिर से हमको वापस करना है। तो यहाँ से हम इसको पकड़ के इस जगह पोजीशन में दे देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा सारा सेटिंग हो गया। एक बार प्ले करके देख लेते हैं किस तरह से हमारा इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है। तो ये पहला हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट देना है तो इस वीडियो लेयर के साथ जो है हम साउंड इफेक्ट देंगे। तो दोस्तों इस साउंड इफेक्ट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोजेक्ट फाइल में मिल जाएगा, तो उसको जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से मैं चलिए इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम जो है उस साउंड को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको जो है सही से आपको सेट करना है इसके साथ और इसको डुप्लीकेट कर देते हैं और इस वाले इफेक्ट पर भी। अब दोस्तों हमारा वीडियो जो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में हम शेयर पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, सेट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमने हमारा वीडियो इफेक्ट जो है बना लिया है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।